जय गणेश। आई एम नरेश एस्ट्रोलॉजर एंड ईयर इज प्रिडिक्शन फॉर कैंसर वीकली फोरकास्ट 8th to 14th of August 2016। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो विल बी इन हिंदी लैंग्वेज एंड देन आफ्टर दिस वीडियो विल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज। सॉल्यूशन फॉर कैंसर, सबसे पहले बात करेंगे कर्क राशि के लिए आने वाला सप्ताह कैसा है 8 से 14 अगस्त 2016। बात करेंगे सबसे पहले ग्रह मंडल के राजा ग्रह सूर्य ग्रह के बारे में। तो सूर्य ग्रह का जो भ्रमण है वो आपकी राशि के अंदर है। आपकी राशि में सूर्य ग्रह का भ्रमण सामान्यतः शुभ नहीं माना जाएगा। दाम्पत्य जीवन में अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में तनाव ना आ जाए, उसका आपको खास केयर करना होगा। बुध गुरु राहु और शुक्र ग्रह का जो भ्रमण धनस्थान के अंदर है जो आपके लिए एक प्रकार से शुभ माना जाएगा। एक महत्व की ट्रांजिट हो रही है इस सप्ताह के अंदर। 11 अगस्त 2016 को गुरु ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं। गुरु ग्रह चलेंगे आपकी राशि से तीसरे स्थान के अंदर। तो पराक्रम स्थान में चलने वाले जो गुरु हैं कन्या राशि में 11 अगस्त को, ये आपके लिए बहुत शुभ बनने वाले हैं। आपको नए साहस करवाएंगे, नए साहस से आपको लाभ करवाएंगे। जो भी जातक अविवाहित हैं उनको विवाह के योग बनेंगे, भाग्य में वृद्धि करने वाले बनेंगे। मित्रों से लाभ रहेगा, बिजनेस में एवं करियर में भी आपको लाभ रहेगा। जो कोई भी जातक जॉब कर रहे हैं उनको प्रमोशन के भी चांसेस बनेंगे। तो गुरु ग्रह पराक्रम स्थान में आपको बहुत शुभ फल देने वाले हैं। 11 अगस्त 2016 से गुरु चलेंगे आपके पराक्रम स्थान के अंदर। चंद्र भ्रमण जो है इस सप्ताह के अंदर आपकी राशि से तीसरे स्थान से लेकर छठे स्थान में चलेंगे। चंद्र ग्रह का जो भ्रमण है कॉन्स्टेंटली डाउन साइड चल रहा है, तो आपका मूड जो है वो थोड़ा सा डाउन रहेगा। डाउन मूड की सिचुएशन आप फेस करेंगे। हाउ इज दिस वीक फॉर कैंसर? एज सन इज पासिंग इन योर साइन हैव टू बी वेरी केयरफुल इन रिलेशनशिप विथ योर पार्टनर। एज मर्क्यूरी वीनस राहु एंड जुपिटर इज पासिंग इन द सेकेंड हाउस विल गिव यू सक्सेस इन फैमिली एंड फिनेंशियल मैटर्स एज वेल सक्सेस इन लव मैटर ऑल्सो। वन इम्पोर्टेंट ट्रांजिट इन दिस वीक इज जुपिटर इज पासिंग इन द थर्ड हाउस। जुपिटर मूव्स इन द थर्ड हाउस ऑन 11th of August 2016 फ्रॉम सेकेंड हाउस, विच इज वेरी गुड फॉर यू फॉर अपकमिंग न्यू ईयर। Will give you success in love matters. You will get married. Who are unmarried, they will get married. Success in luck favor and success in business and career matter. Also benefit from the friends. So Jupiter upcoming transit is very good for you. Moon transit in this week is from 3rd house to 6th house. So moon is going constantly downside. So you may be facing situation of mood down. Though the situation is everywhere is good, but you may be feel not good. At the same time, take care in relationship with your partner in this week also. If you like this video, please press button of like. You can also share this video on your social media sites. Subscribe channel for our new videos and new predictions. Thanks for watching.